वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज हम आपको आपकी हाई रिक्वेस्टेड डिमांड पर पेंट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाले हैं, वो भी पॉकेट वाली। ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सब में से, तो देखिए किसी भी ट्राउजर में, पैंट में, प्लाजो में जिसमें भी पॉकेट लगती है, वो पॉकेट लगती है राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे नहीं आ पाती, कभी पीछे साइड चली आती, कभी इधर चली आती, कभी यहाँ आ जाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, कैसे आपकी पॉकेट राइट हैंड साइड पे एकदम सही आएगी और कहाँ से लगाना चाहिए, कितने इंच पे लगाना चाहिए, ये सारे डाउट आज आपके इस वाली वीडियो में खत्म हो जाएंगे। तो चलिए हम पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। और जिस जिसने भी पैंट की कटिंग स्टिचिंग पहले नहीं देखी है, तो पॉकेट वाले की तो बता ही रहे हैं, लेकिन पैंट की भी कटिंग स्टिचिंग साथ में रहेगी तो आपको वो भी अच्छे से आ जाएगी। जो जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल पर, उनको नहीं पता होगा पैंट की कटिंग स्टिचिंग हमने और भी पहले बताई है, और अब हम आपको पॉकेट वाली पैंट की कटिंग स्टिचिंग बता रहे हैं। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा। तो चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो आज जो ट्राउजर पैंट की हम कटिंग करने वाले हैं उसका फैब्रिक ये रहा। ये जो फैब्रिक है ये पैंट वाला ही फैब्रिक है, जो पैंट में यूज होता है ना वही फैब्रिक है, मेंस वगैरह की जो पैंट में यूज होता है ना ये फैब्रिक है। और इसका नाम मुझे नहीं पता है इसका नाम क्या है, अगर आप लोगों में से किसी को पता तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उनका कमेंट मैं पिन कर दूंगी ताकि सबको पता चल जाए। हाँ, और इसकी जो मतलब ये जो हमने लंबाई में लिया है ये 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर कपड़ा है, और जो इसकी विड्थ है ये 60 इंच की है, 60 इंच इसका पना है। तो क्या करना है हमें, ये जो अभी हमारा रखा हुआ है ये है सीधा कपड़ा, यहीं से इसको कर देंगे हम फोल्ड, इसके बाद इसको कर देंगे एक बार और फोल्ड पूरा। तो ये हो गया हमारा 4 फोल्ड। यहाँ पर इसमें हमने नाखून लगा लिया है। और फ्रेंड्स, इस वाले मतलब जो ट्राउजर पैंट की कटिंग स्टिचिंग में आज आपको जो बता रही हूँ, इतने इजी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, कोई अगर बिगनर्स इंसान भी होगा तो वो इसको सीख जाएगा। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से देखिएगा। चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लेना है, यहाँ पर रखना है और कपड़े को सीधा करने का निशान लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये रहेगा हमारा मार्जिन के लिए इलास्टिक के। यहाँ पर हमारी इलास्टिक भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो नेफा भी मोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको ट्राउजर पैंट बनाने के लिए 5 मेजरमेंट लेना है, एक लंबाई का, जितना भी आपको लंबा चाहिए उतनी लंबाई ले लीजिए, एक ले लीजिए आप कमर का, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद आपको लेना है 3 नाप पैर के, एक यहाँ का, एक ये जो मोटा वाला हिस्सा होता है यहाँ का, और एक ये थाइस का, हो गए नाप। अब लंबाई का नाप लगाएंगे, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, लंबाई जो है हमारी है 36 इंच की। यहाँ पर 2.5 इंच नीचे एक निशान और लगाएंगे, ये है यहाँ पर हमारा फोल्ड करने का, तो 1/2 इंच सिलाई में दब जाएगा, 2 इंच फोल्ड होके तैयार आ जाएगा। तो आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करने के लिए रख सकते हैं कपड़े को। इन दोनों लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ का कपड़ा कितना लेंगे, ये जो हमारी इलास्टिक लगती है ना, यहाँ की कमर का नाप लेना है, यहाँ की कमर हमारी आ रही 36 इंच, तो जो भी कमर आए उसका आपको कर लेना है 4 पार्ट। 4 पार्ट कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा 9 इंच, 9 का कर लेंगे हम आधा तो कितना निकलेगा 4.5 इंच। जो 9 है ना हमारा, इसमें 4.5 हमें ऐड कर देना है, 4.5 ऐड करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 13.5 इंच का। तो 13.5 इंच में हम लगाएंगे निशान, ये जो हमारी कमर आ रही थी 9 इंच, तो हमने 9 पे निशान क्यों नहीं लगाया, 4.5 इंच इसमें ऐड क्यों किया है, ऐड हमने इसलिए किया है जो हमारी इलास्टिक स्टिच होगी तो उसमें जो मार्जिन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी जो सलसल सी आती है ना इलास्टिक में, उसके लिए जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। अब हम इसमें लगाएंगे क्रॉच एरिया का निशान, तो क्रॉच एरिया आपको कितने इंच पर लगाना है, तो मैं आपको सभी साइज का बता देती हूँ ताकि सभी लोग अपना अपना ट्राउजर पैंट बना सके। तो देखिए फ्रेंड, जिसका भी ये जो हमने नाप लगाया ये कमर का है, अब हमको क्रॉच एरिया के लिए लेना पड़ता है हिप का नाप। तो जो हिप साइज रहेगा जिसका भी 30 से 35 इंच तक है वो क्रॉच एरिया लगा लीजिए 12.5 इंच पे, और जिसका भी 35 से 40 इंच तक है हिप साइज वो लगा लीजिए 13 इंच पे क्रॉच एरिया, और जिसका भी 40 से 44-45 इंच तक है वो क्रॉच एरिया लगाएगा 14 इंच पे, नहीं तो बैठने उठने में दिक्कत होती है। जो हमारी कमर 36 है तो इसके हिसाब से हमारा हिप साइज कम से कम 42 से 44 इंच तो होगा ही होगा। अगर आपने कस्टमर का नाप नहीं लिया है तो आप कमर से अंदाज लगा सकते हैं। तो
तो ये हमने 14 इंच पे क्रॉच एरिया लगा दिया। और अगर किसी का साइज 45 से भी ज्यादा है, 48-50 इंच का है, तो फिर आप थोड़ा सा और नीचे लगा सकते हैं। और जो क्रॉच एरिया रहेगा हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कोई कोई की लंबी हाइट होती है थोड़ा और ज्यादा लगाना पड़ेगा, और किसी किसी इंसान ऐसा रहता है ना, किसी किसी लोग कोई कोई नीचे से पहनता है, कोई कोई थोड़ा ऊपर से पहनता है, उसके अकॉर्डिंग आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने नाप के अकॉर्डिंग। तो अब हमें लगाना है यहाँ की फिटिंग। फिटिंग कितनी कितनी है वो बता देती हूँ। ये बॉटम की फिटिंग है हमारी 12 इंच की, यहाँ की फिटिंग है 17 इंच की, और थाइस की फिटिंग है 26 इंच की। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, थाइस से हम लगाना स्टार्ट करेंगे, 26 का आधा कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 13 इंच, ये हो गया 13 इंच, और आधे इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए क्योंकि यहाँ से कटिंग होगी। तो ये 13.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और ये जो निशान लगाया हमने क्रॉच एरिया से 2 इंच नीचे। अब यहीं से जो 13.5 पे हमने निशान लगाया है, यहीं पे इसको पकड़ना है, इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये जो भी निकला है हमारा उसको हम यहाँ पर लगाएंगे निशान, 7.25 इंच निकला है, 7.25 पे निशान लगा देंगे, और 7.25 पर यहाँ पर भी लगा देंगे, सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमारा सेंटर निकालने के लिए लाइन है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी 12 फिटिंग आई थी तो 12 का आधा कर लेंगे तो हो जाएगा 6 इंच, तो 6 में से 3 इंच हम लगाएंगे इस साइड और 3 इंच इस साइड लगाएंगे, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा 6 इंच, और यहाँ पर आधे इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और यहाँ पर 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ पर हमारी फिटिंग है 17 इंच की, और ये निशान आपको कितने ऊपर लेना है, यहाँ से आपको लेना है ये 8-9 इंच ऊपर। तो हमारी फिटिंग है 17 इंच, 17 का आधा हो जाएगा हमारा 8.5 इंच, तो 8.5 का भी हमें करना पड़ेगा आधा, तो हो जाएगा हमारा 4.25 इंच, तो 4.25 इंच यहाँ पर लगाना है और 4.25 इंच ही हमें यहाँ पर लगाना है, और आधे इंच सिलाई मार्जिन का भी स्केल को लेना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए ये निशान सभी निशान मिल रहे हैं। यहीं से स्केल को घुमाना है और ये वाले तीनों निशान को आपस में मिलाते हुए ये वाली लाइन भी हम खींच देंगे इसमें, ये वाली लाइन भी हमारी बन चुकी है। और यहाँ से ये वाला निशान हमें थोड़ा सा ऐसे घुमा के रखना है, थोड़े बाहर साइड जाना चाहिए ताकि जब ये यहाँ पर आए तो ये बढ़ जाए। अब हम इसमें इतना मार्जिन रख लेंगे, इन फ्यूचर मोटे पतले हो जाए तो हम ये ढीला कर सकें। इसलिए प्रीति ये तो स्ट्रेचेबल कपड़ा है। हाँ ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है फ्रेंड। यहाँ से लगाना है एक सीधा निशान। अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक हम कर सकते हैं यहाँ पर ऐसी गोलाई, तो जिस जिसको भी म्यानी नहीं लगाना है वो यहाँ पर ऐसी गोलाई कर लीजिए, बट हमारे कस्टमर ने हमसे बोला है कि उनको म्यानी वाला चाहिए, तो इसलिए हम इसको इस टाइप से रखेंगे ताकि म्यानी हमारे सीधे हिस्से में सही बैठ जाएगी इस तरीके से। अब हम कर देंगे इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग। ये हमारी कटिंग हो चुकी है, यहां से ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर लेंगे और एक कट लगा देंगे। इन कट से हमें पता चल जाएगा कि हमें इसको इतना फोल्ड करना है कट से, और एक कट हमें यहाँ पर लगाना है म्यानी के लिए, यहाँ से हमारी म्यानी लग जाएगी, और म्यानी लगाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं नहीं तो नहीं लगाएं। ये कट्स हमारी लग चुके हैं, ये वाला इलास्टिक लगाने के लिए हो जाएंगे कट्स। ये वाला जो साइड से फैब्रिक निकला है इसमें से हम कटिंग करेंगे म्यानी की, यहाँ से हम 7 इंच लंबी म्यानी कटिंग करेंगे और इस तरीके से काटेंगे। ये हो गई हमारी म्यानी, सजा देते हैं ताकि आपको पता चलता जाए क्या क्या चीज कहाँ कहाँ है। अब ये वाला जो फैब्रिक बचा है आप चाहें तो इसमें एक पॉकेट लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें दो पॉकेट लगा सकते हैं, तो हम तो इसमें एक ही लगाने वाले हैं। तो यहीं से हम लेंगे इसको, और जो पॉकेट की लंबाई रख रहा है वो 12 इंच की रखेंगे और जो चौड़ाई रहेगी वो 7 इंच की। तो यहाँ से ये किनारी किनारी तो काट के फेंकेंगे हम, और ये रही हमारी 12 इंच की लंबाई और ये रही हमारी 7 इंच की चौड़ाई। ये हमारी निकल गई पॉकेट जो आकर यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो अब आपको पॉकेट और देख लीजिए कितने कितने इंच नीचे लगानी है। तो ये वाला जो हमारा कट लगा हुआ है ये निशान, यहाँ से 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है, और इसके बाद यहाँ से इंच टेप को रखना है और एक निशान लगाना है 5.5 इंच पर। यहाँ से हमारी पॉकेट स्टार्ट होगी, यहाँ से हमारा होल स्टार्ट होगा पॉकेट का और यहाँ तक खत्म होगा। तो इतना बीच इतना बड़ा हो जाएगा होल और इतने नीचे से हम लगाएंगे, क्योंकि यहीं से तो हाथ जा नहीं सकता, थोड़ा नीचे लगती है ना, इसीलिए यहीं पे हम लगा देंगे कट।
वो भी सिर्फ ऊपर वाले दोनों पार्ट्स में, क्योंकि हम एक ही साइड पॉकेट लगा रहे हैं। तो ये हमारे कट्स लग गए हैं और हमारी पॉकेट भी कटिंग हो गई, म्यानी भी कटिंग हो गई, इसी के साथ हमारे पूरे ट्राउजर पैंट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई। तो आप बताइए कि आपको इसकी कटिंग कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी तरीके से बताऊंगी ताकि आप लोग आसानी से सीख जाएं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें से ये वाले दो पार्ट उठा लेंगे। उठाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है पक्की सिलाई लगाकर, यहाँ पर यहाँ तक सिलाई लगाना है और यहाँ पर भी पक्का करना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गैप छोड़ देना है, सिलाई नहीं लगानी है। फिर हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर भी हम पक्की सिलाई करेंगे और यहाँ से लेके पूरे नीचे तक सिलाई लगा देंगे। नीचे तक सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारा होल है, जो स्पेस हमने छोड़ा है, यहाँ पर हमें इसको ऐसे खोलना है, बीच में से नाखून लगा देना है। लगा दिया हमने नाखून। अब ये जो हमारी पॉकेट हमने कटिंग की थी, इसको ले लिया है हमने, इसमें से एक फैब्रिक उठा लेंगे और यहाँ पर रखेंगे हम। कितने ऊपर रखना है हमें, ये जो हमने कट लगाया था, ये वाला कट, इससे लगभग हमें 1 इंच ऊपर इसको रखना है और यहीं से हमें इसमें लगानी है सिलाई। एक ही फैब्रिक के ऊपर लगाना है हम। इसको पलट देंगे, पलटने के ऊपर इस मार्जिन को अटैच करने की सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने इसको यहाँ पर अटैच किया है, इस वाले को लेंगे, इस वाले में अटैच करेंगे, ऐसे नाप लेंगे, यहीं से घुमाएंगे इसको और इसको भी हम पलट देंगे और इसके मार्जिन के ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर भी हमने लगाई सिलाई। तो देखिए ये हमारे जो दो मार्जिन वाले हिस्से होते हैं ना, ये वाले देखिए, जो हम सिलाई लगाते हैं तो इसके जो दो कपड़े होते हैं ना, उन दोनों कपड़ों में हमने ये पॉकेट के दोनों पार्ट को, एक एक कपड़े में एक एक पार्ट को ज्वाइंट कर दिया है। तो ये इस तरीके से आ चुके हैं और यहाँ से हमारा होल भी आ गया है। ये देखिए यहाँ से मेरे हाथ बाहर आ जाएगा आपको, हाई कलर में है ना। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से बढ़िया तरीके से आप मिला लीजिए। मिला लिया, यहाँ से हम लेंगे इधर से, इस पॉकेट पे 3 साइड सिलाई लगाकर इसको हमने पैक कर दिया है। अब इसको इस तरीके से पलट देना है। पॉकेट हमारी इस साइड से आ गई है, निशान वाली जो साइड है हमारी, आप लोगों ने ध्यान से देख लिया था, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था वही उठाया था हमने और निशान वाला पार्ट उठाया था, निशान वाले पार्ट के ऊपर के दोनों पार्ट उठा लिए थे। तो हमने ये वहीं पर लगाई है ये पॉकेट। ये जो निशान वाला साइड दिख रहा है आपको, इस तरीके से सामने रख लेना है जैसे मेरे सामने रखा हुआ है, और पॉकेट इस साइड है, इसको यहाँ से ऐसे अपन ओपन कर लेंगे। पॉकेट यहीं रही, सिर्फ ये वाला एक पार्ट हमारा इस साइड आ गया। पॉकेट की फिनिशिंग भी आप एक बार देख लीजिए कितनी बढ़िया आ गई है, ये देखिए बढ़िया है ना, दिख भी नहीं रही, समझ भी नहीं आएगी अगर आप वेयर करे रहेंगे ना, समझ भी नहीं आएगी कि यहाँ पर हमारी पॉकेट भी लगी है। इस पॉकेट को यहीं पर रख ही देना है और यहाँ से इसके मार्जिन को ऐसे नीचे से पकड़ना है और इस तरीके से पिन लगा देना है आपको। ये लग गई, इस तरीके से कर लेंगे अंदर। अंदर करने के बाद ये जो हमारा फैब्रिक है ना, इसका पॉकेट हमारी इस साइड आ चुकी है, यहीं से हम इस पे लगा देंगे सिलाई। पहले हम लगाएंगे ये पॉकेट जहाँ खत्म हो रही ना, वहीं से हमें स्टार्ट करना है पॉकेट को। पॉकेट के जो होल है ना, इसको छोटा नहीं करना है, इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। पॉइंट की सिलाई लगा दी, और अगर आपको लगता है ना कि होल आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो यहीं जहाँ पे होल खत्म हो वहां पे आप ऐसा थोड़ा सा निशान लगा लीजिए चौक से। अब हम लगाएंगे एक बूट वाली सिलाई, पक्की सिलाई लगाकर स्टार्टिंग करनी है आपको। ये वाली सिलाई लगा दी हमने। पॉकेट का मार्जिन इस साइड है, तो ये ट्राउजर का भी मार्जिन हमने इसी साइड किया है। यहाँ से नहीं तो आप कोई क्या करता है, यहाँ से पलट के उस साइड कर देता है, फिर यहाँ से फिनिशिंग नहीं आती है, एकदम बैठा हुआ नहीं आता, फूलता सा है, तो अच्छा नहीं लगता है। जब आपको ध्यान रखना है, जिस साइड पॉकेट का मार्जिन जाएगा उसी साइड ट्राउजर का मार्जिन जाएगा। ये हमारा तैयार हो गया, और ये वाली जो पॉकेट रहेगी ना ऊपर साइड से हम लास्टिक लगाएंगे, तो हम यहीं पे अटैच कर देंगे यहाँ पर साथ साथ में, इसलिए अभी हमने पिंस लगाकर रखी है। ये वाला पार्ट लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है, इसको हम खोल देंगे। खोलने के बाद इसके ऊपर हमें 2 सिलाई लगाना है। कौन सी 2 सिलाई? एक पॉइंट की, एक बूट की, जैसे हमने इसमें लगाई थी। और इसका मार्जिन जो है ना, इस वाली सिलाई में मार्जिन हमने इस साइड किया था, तो इस वाली सिलाई में मार्जिन हम इस साइड करेंगे ताकि दोनों का आमने सामने मार्जिन आ जाए। इसके जैसी सिलाई लगाकर हमने इसको भी तैयार कर दिया है। अब हम लगाएंगे इसमें मियानी,
तो ये हमने म्यानी ले ली है। ये जो म्यानी के लिए हमने कट लगाया था, यहीं से नीचे से हम इसको मेजर करके यहाँ पर रखेंगे और 1 सेंटीमीटर दबाकर यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे और इस वाली म्यानी को इस साइड लगा देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर। इसके बाद हम इसको यहीं से पलटेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे पॉइंट की सिलाई, दोनों के ऊपर। दोनों म्यानी हमने अटैच कर दी है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, इसको लेंगे हम, उल्टा कर लिया, इसको भी हम इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ से रखने के बाद ये निशान वाली साइड से हम इसको मिलाएंगे। निशान वाली साइड से मिलाकर रख लिया है। निशान वाली जो साइड है ना, ये हमारी ऊपर साइड आएगी। इस तरीके से हाथ से ठोक के ये निशान हमने नीचे भी छाप दिए हैं। यहीं से इसको लेंगे और ये जो हमने कट लगाया था, यहाँ से इतना इसको फोल्ड करेंगे और इसमें से आधे इंच अंदर करते जाएंगे। कट के पास से लिया, आधे इंच अंदर किया, इसको यहीं से हमें घुमा देना है। इसकी के बगल में एक बूट की सिलाई लगा देंगे। दोनों बॉटम को फोल्ड करने के बाद इसको इसके ऊपर पलट देना है। यहाँ से ये लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक। और इस साइड के म्याने पे भी हम यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। दोनों को अटैच कर दिया है, इसको यहीं से खोल देंगे। देखिए, मार्जिन इस साइड करने के बाद यहाँ पर हम पॉइंट की सिलाई लगा देंगे और इस साइड वाले में भी हम पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। इन दोनों का मार्जिन इस तरीके से आमने सामने आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक म्यानी पर पॉइंट की सिलाई लगा दी है दोनों पर। अब इसको यहीं से ऐसे पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ से दोनों हिस्सों को मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये मिला दिया। अब यहाँ से हम, ये हमारी फिटिंग थी यहाँ की 12, तो 12 का आधा 6 इंच नाप लेंगे यहाँ कॉर्नर पे और इसी निशान के ऊपर से फिटिंग लगाते जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके पूरे नीचे तक। निशान तो हमने पहले ही छाप लिए थे। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक डबल सिलाई लगाकर हमने अपने पॉकेट वाले प्लाजो पैंट की फिटिंग कर दी है। अब इसमें बस एक ही काम बचा है, वो है इलास्टिक लगाने का। कमर थी हमारी 36 इंच, तो 36 इंच में से आपको 4 इंच पूरा माइनस कर देना है, क्योंकि इलास्टिक स्ट्रेच होती है इसीलिए। तो 4 इंच माइनस करके आपको 32 इंच के लिए लेना है इलास्टिक, और इलास्टिक को लेना है और ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख देना है और पक्की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। और ये हमारा जो प्लाजो पैंट है, इसको हम कर लेंगे सीधा। पक्की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया और देखिए, सीधा भी कर लिया इसको हमने। ये हमारा गोल गोल हो गया ट्राउजर, यहाँ से ये देखिए गोल गोल है, इलास्टिक भी है हमारी गोल गोल, तो दोनों गोल गोल आपस में मिलेंगे तो ये बन जाएगा ये अंदर से गोल गोल। तो ये जो हमने निशान लगाया था, यहाँ से इतना मार्जिन लिया था इलास्टिक के लिए, तो इतना ही हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। इसमें से आधे इंच हम अंदर करते जाएंगे और सिलाई लगाकर अटैच करते जाएंगे। और ये हमारी पॉकेट है। पॉकेट को किस तरीके से लेना है, पहले एक पिन निकाल देंगे, फिर दूसरी निकाल देंगे, ये देखिए पॉकेट क्या से एकदम फिनिशिंग आ गई है। ऊपर से तो पता ही नहीं चल रहा है कि पॉकेट लगी भी है इसमें। तो जैसे हमने इस यहाँ तक सिलाई लगाई है, ऐसे ही हम इसमें इलास्टिक अंदर करते जाएंगे और नेफा बनाते जाएंगे। इलास्टिक को पूरा अंदर कर दिया है नेफा बनाकर। अब इसको खींच के हम कर लेंगे बराबर। और फ्रेंड्स, हमारी एक प्यारी सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि मतलब ऐसे जो मैंने रखा है ना, तो ऐसे इलास्टिक में ये जो थोड़ी थोड़ी सल आ रही है हमारे में, तो उनके में नहीं आ रही थी। तो उसका रीजन ये था कि जो इलास्टिक है ना, इलास्टिक और ये वाला जो फैब्रिक है, ये आपका दोनों बराबर होंगे, इसलिए सल वो नहीं आ रही है। अगर आप थोड़ा मार्जिन ज्यादा रखेंगे ये वाली फैब्रिक में इलास्टिक से, तो आपकी ये वाली मतलब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो ही आपको यहाँ पर दिखेगा। ये तो ऐसे मार्जिन को खींचना है और बराबर कर लेना है पूरी इलास्टिक के ऊपर। अब अंदर साइड से हम इस पर लगाएंगे सिलाई। दो सिलाई लगानी है, 1 सेंटीमीटर दूर, फिर 1 सेंटीमीटर और दूर। दो सिलाई लगाएंगे पूरी गोलाई में, इस तरीके से खींच के लगाते जाना है। एक सिलाई लग चुकी है, यहीं से बगल में शिफ्ट हो जाएंगे, एक सिलाई और लगा देंगे। दो सिलाई लगाकर हमारी इलास्टिक पूरी इसमें लग चुकी है। और एक बार आप फिनिशिंग भी देख लीजिए और यहाँ से पॉकेट की फिनिशिंग भी देख लीजिए। देखिए, लग रहा है आपको इसमें पॉकेट लगी हो, पर लगी है। हाथ डाल के मैं बता देती हूँ आपको, नहीं तो कोई कोई लोग बोलने लगे पता नहीं प्रीति ने लगाई भी है या नहीं लगाई। हैवी साइज की हमारी पूरी पैंट बन चुकी है, ट्राउजर पैंट। वैसे भी आप लोग बहुत ज्यादा टाइम से कमेंट करके पूछ रहे थे कि हैवी साइज की प्लाजो पैंट बताइए, ट्राउजर पैंट बताइए, तो आज मैंने हैवी साइज की आपको कटिंग और स्टिचिंग करना बताई है, वो भी विथ पॉकेट एंड विथ म्यानी। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी,
और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय।